मेरा नाम है प्रिया, मेरा नाम है प्रीति, मेरा नाम है प्रीति सिंह। मर्द झूठ बोलते हैं या औरत? मर्द। अच्छा, मर्दों को झूठ बोलने पे औरतें मजबूर करती हैं। बात तो सही है। क्यों? क्योंकि वही आके पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। अगर आप मेरी बीवी होती और आप गुम हो जाती तो मैं क्या करता? मुझे पता था। पागल ही हो जाते। वो तो मैं होता लेकिन मैं आपको ढूंढने के लिए क्या करता? पुलिस में कॉल। मैं अखबार में एड लगाता, जितने पैसे लगते मैं लगाता, उसमें पता मैं क्या लिखता? तुम जा रहो खुश रहो। और बोलो पैसों का कुछ बातचीत की है कि नहीं? पैसों की डील तो पहले दिन ही हो गई थी, 12,000 दिए मैंने सोहेल भाई को। तुम पैसे दे के ये फिल्म कर रहे हो? क्या करें, लड़के पैसे ही दे सकते हैं। सुपर्ब। एक्चुअली आप बोलते हो कि आपका फेस बहुत सीरियस है, लेकिन मुझे आपका फेस बहुत क्यूट लगते, कार्टून कैरेक्टर के जैसे लगते हैं। मैम ऐसी तारीफ कर देती लड़कियां, फिर डीएम में रिप्लाई नहीं देती। कहिए क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहे किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? 100%? जी हाँ सर। चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैंने बिना छुए पप्पी ले ली तो तुम मुझे सिर्फ 10 रुपया देना, और अगर मैंने छू लिया तो मैं तुम्हें 100 रुपया जुर्माना दूंगा। ठीक है समरिया। चलो लगी। अरे सोच क्या रही हो, भिखारी के खानदान से आ रही हो क्या? 10 रुपया नहीं है शर्त लगाने के लिए। अरे बड़ा आया पैसे वाला, चल लग गई। ये हुई ना बात, अब देखो मेरा कमाल। आइए देखते हैं मजा आएगा। माफ करना, मैंने तुम्हें हाथ लगाकर पप्पी ले ली, मैं तो 100 रुपया हार गया। मतलब स्टैंड अप कॉमेडी करने में मतलब आधा घंटा इनफ है, फिर बैठ के करना पड़ता है। आप जो समझ रही वो भी ठीक है। हाँ फिर आवाजें बहुत आती है ना। तू समझा? मुझे याद है मथिरा ने एक बार टी शर्ट पहनी हुई थी, इनके टी शर्ट पर एरोप्लेन बना हुआ था। तो मैं एरोप्लेन को देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। मथिरा कभी प्रकट तुमने कभी एरोप्लेन नहीं देखा? मैंने कहा एरोप्लेन तो देखा लेकिन ऐसा एयरपोर्ट नहीं देखा। Hey, y'all, come look at this. जनवरी या फरवरी लिखो इंग्लिश में। लिखो यहाँ लिखो तो। देखिए जनवरी का स्पेलिंग इन्होंने सही लिखा है, लेकिन क्या फरवरी का स्पेलिंग सही है सर? गलत है। गलत है ना? आप एक बार इनको लिख के बताइए, फरवरी फरवरी इनको लिख के बता दीजिए। लिखिए आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी सर लिख रहा है फरवरी जी, अभी भूल गया क्या सर? जी भूल ही गया। जन्नते अगर यही तू दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी है यहाँ। अमित माँ के भालो बासी डैडल, इसका मतलब मालूम है तुमको? नहीं। इसका मतलब होता है आई लव यू। सॉरी सर, सॉरी बबीता जी, सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके जिठा जी। और लड़कियों विकी के साथ कुछ नहीं हो सकता, वो शादीशुदा हैं ऑलरेडी, और इतनी सुंदर वरमालाएं हैं, डस्टबिन में यूं ही डालनी पड़ेंगी। वरुण के गले में डाल दो, ये सिंगल है। ओह माय गॉड,
अरे अभी तो आए प्लेग्राउंड तभी बाहर जाऊंगा एक मिनट यार ये काला वाला बोलना बंद कर दो पहले तो अरे नहीं दैट वाज बिकॉज़ आई फेस्ड अ लॉट ऑफ बुलिंग इन द पास्ट सेम आप ब्यूटीफुल हो आपका एक कॉम्प्लेक्शन है एंड वो आपको डिस्क्राइब करता है तो काला वर्ड तो आप यूज करो ही मत आशीष भाई काश आप लड़की होता तो क्या बोलूं मैं ए हे रहा नहीं जाता फिर से सोच लो कहीं मेरे चक्कर में फैमिली ग्रुप से बाहर ना हो जाओ हवन किंग ने हवस किंग योगा विद जैकलीन और विद रवि शास्त्री अपनी बात रखने से आप लोग पीछे क्यों हटते हमें बोलना ही नहीं आता हमें बोलना ही नहीं आता अच्छा तो अभी क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव का फैन है बस अच्छा अखिलेश यादव बस ओनली तो भक्त है आप फिर तो? हम तो भक्त है ही है उनके आपके भी भक्त है हम दोनों तरफ भक्त है भैया बनिए संजू इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप पॉलिटिक्स में आए आप चुनाव लड़े ये फैसला आपका कम और मान्यता का ज्यादा था मान्यता का फैसला किचन में होता है देखो क्या है कि हम तो फिल्म वाले हैं एक दो दिन में दोबारा मिल लेंगे सोशल मीडिया वालों का थोड़ा मुश्किल होता ना मिलना जिस दिन आप बहू को बेटी मान लेंगे उस दिन से आप उसका मोल भाव करना बंद कर देंगे अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर और दहेज प्रथा हमेशा के लिए मिटा दीजिए राजश्री तुम्हारी दुकान का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था रिपेयर करवा लिया क्या अब दरवाजा ठीक करने की जरूरत नहीं है क्यों अब्दुल भाई जब किस्मत ठीक नहीं है तो दरवाजा ठीक करने की क्या जरूरत माननीय प्रधानमंत्री जी मनन मित्तल हमसे आभासी माध्यम से जुड़े हैं मनन कृपया अपना प्रश्न पूछिए नमस्ते प्रधानमंत्री मैं मनन मित्तल डीपीएस बैंगलोर साउथ से बोल रहा हूँ मुझे आपसे एक प्रश्न है ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह वगैरह हम इससे कैसे बचें ये स्टूडेंट है क्या यार सच में उसको बहुत बुरी तरीके से बोल दिया यार कि ये स्टूडेंट है फिर भी देखो देश की हालत क्या है कि उस एज में जाके भी बंदा स्टूडेंट ही है हाँ बताओ मतलब इतनी मेहनत रोजगार दो लेकिन यार बताना चाहिए था ऑनलाइन पढ़ते टाइम इतने सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं फिर ऑनलाइन पढ़ा के एक महीना बुला लेते हैं सीधा और फिर उसके ऑफलाइन एग्जाम करवाते हैं मेरे को तो ऑनलाइन एग्जाम ही नसीब नहीं हुए टेस्ट तक नसीब नहीं हुए ऑनलाइन बेचारी ऑनलाइन पढ़ाई हो गई लेकिन इसको मेरा तो सारा वेस्ट हो गया मैं तो पक गया हूँ बहुत सब माया है सच में संन्यास धारण करो माउंट एवरेस्ट पे जाओ वहाँ पर चोटी पे बैठो ऐसे करो जब आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वेरी गुड ये मेरा एक टेस्ट था आपके लिए अगर आप लाइक बोलते तो मैं क्या फेल आप ही को करते छोटी हूँ ना मैं और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और जैसा कि इन्होंने बोला हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन को प्रेस करें थैंक यू बाय बाय